रेखा जी कह रही थी रौनक अक्सर लोग तिल से तेल निकालने का काम करते हैं, इसी पे क्या तुम बउआ बन के थोड़ी मस्ती कर सकते हो? ये सुनिए मैडम जी। हेलो लेडीज, बउआ बोल रही हूँ। हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज? सॉरी, आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। नो, डोंट थिंक इट इज रॉन्ग नंबर, बट आई एम द राइट पर्सन। कुछ बात करनी है तो साफ बोलो, डोंट इरिटेट मी। अच्छा, दो मिनट चाहिए आपसे? हाँ दिए, दो मिनट बोलिए। अगर एक पर्सनल सवाल पूछूं तो क्या जवाब मिल पाएगा? क्या? आप दिखती कैसी हैं? ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लग रहा है आवाज से? लग तो मुझे बहुत कुछ रहा है। मैं एकदम ऐश्वर्य राय दिखती हूँ, तुम कैसे लगते हो? मेरे बाद में विकिपीडिया पे पढ़ लो। अच्छा सुनिए, बाय एनी चांस आपके गाल पे का कोई तिल होगा? मेरे गाल पे तिल हो या ना, इससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं देखिए, मेरे भाई का जन्मदिन है, अभी मेहमान आते होंगे, पार्टी शुरू हो गई। मेरे गाल का तिल, तुम्हारे भाई का बर्थडे, मेहमान। इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर दिया हो? नॉर्मली व्हाई डोंट यू टॉक? रोज डे, चॉकलेट डे, टीस डे, वैलेंटाइन डे। हाँ बढ़िया है। तो वैलेंटाइन डे डजंट मीन कि मैं जोकर्स को एंटरटेन करूं, बट एटलीस्ट यू कैन टॉक वेरी नॉर्मली। व्हाई सो मच लटके झटके इन योर आवाज इटसेल्फ? एक्सक्यूज मी, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, आई एम ओवर एक्टर। आओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि तिल का तेल निकालते है ना, तो वो तेल निकलेगा तो पूरी वगैरह बनाने के लिए मेहमानों को बर्थडे पार्टी में। Come on, girl. Once again, overacting. Worst teacher. तू अपने तिल का तेल निकाल लो, उससे अपने भाई की जन्मदिन पार्टी मना लो। नहीं, मेरे पास तिल है, बट उसकी पोजीशनिंग गलत है। वहाँ का तेल गंदा निकलेगा। लेडी जी, हेलो। Don't dare to call me again. इतनी जूती पे जूती मारूंगी। तेल नहीं ढूंढ पाएगा मुंह में। अब आई ना देसी गर्ल, और देसी। Oh my God. एंड में हंस रही है, मतलब थोड़ा फंस रही है। ओ काट दिया। हेलो।